दीजिए आप लोग, आज का टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये नाम क्या इंडिकेट करता है? नाम क्या इंडिकेट करता है कि ध्यान देना, अगर किसी सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट 5 है, आप इसमें प्योर स्टेट में, ये क्या है, प्योर स्टेट में इसका 5 है, आपने इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट 5 से 6 हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, एलिवेट कर जाएगा। हमेशा इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। फिर से एक बार, अगर किसी सब्सटेंस का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट मान लो 5 के आसपास है, कुछ भी हो सकता है, हम जस्ट लाइक एग्जाम्पल समझा रहे हैं, तो नाम क्या इंडिकेट करता है कि अगर उस सब्सटेंस में अगर आपने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो हर हालत में उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, एलिवेट करेगा, मतलब बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट बताने के बाद क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट विच एनी लिक्विड स्टार्ट्स टू बॉइल इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। ये था हम लोग क्लास 9th का। अब हम लोग 12th में क्या पढ़ेंगे, देखिए लिखते द टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर कोमल आई हो ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल, ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, जानते हैं कि संसार के जितना भी लिक्विड रहता है वो क्या होता है, वेपराइज होते रहता है, वो किसके इक्वल हो जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर। जब एटमोस्फेरिक प्रेशर और लिक्विड का प्रेशर दोनों इक्वल हो जाता है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, इज नॉन एज, इसी को हम लोग कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो अब आप लोग इस डेफिनेशन को बोलिएगा, वो पहले जो मैंने कहा था वो 9th क्लास के लिए सही था, इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन मतलब क्या होता है, बढ़ जाना, नहीं एलिवेशन मतलब बढ़ जाना। तो चलिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ, किसको कहेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब नाम से पता चल रहा है बढ़ जाना, कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, सब बताएंगे। बोलता है द इंक्रीज इन द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना ऑफ अ सॉल्यूशन इन कंपेरिजन टू, किसकी कंपेरिजन में, पहले था 5 से हो गया 6, पहले था प्योर सॉल्वेंट, अब कुछ मिला दिए, इन कंपेरिजन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इन कंपेरिजन टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट बीपीटी लिख देते हैं ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट मतलब अभी कुछ नहीं मिला हुआ है, तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, टी टेम्परेचर हो गया और बी हो गया बॉइलिंग, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर, अभी कुछ नहीं मिला हुआ है तो नोट लिख देते हैं,
अब बोले कि जब कुछ मिल गया, क्या हो गया, कुछ मिला दिए हम लोग इसमें, अब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कब बनता है, सॉल्वेंट में जब हम लोग सॉल्यूट मिला देंगे तो सॉल्यूशन बनता है ना, तो अभी सॉल्यूशन का हम बोल रहे हैं। अभी यहाँ कुछ नहीं मिला हुआ था, अभी यहाँ कुछ नहीं मिला हुआ था, तो हम लोग लिखे थे टीबी नॉट, नॉट का मतलब कुछ नहीं मिला हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अब आप इसमें सॉल्यूट मिला दियो तो यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ होगा। अब बताना है यहाँ पर किसका वैल्यू ज्यादा होगा, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। मुस्कान सिन्हा आप बताइए, प्योर सॉल्वेंट का वैल्यू ज्यादा है कि सॉल्यूशन का वैल्यू ज्यादा है? सॉल्यूशन हमेशा बढ़ता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर चेंज इन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में कितना चेंजिंग हुआ, तो बोलेंगे सर अधिक में से कम को माइनस करते हैं। तो हमेशा हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेट करता है, मतलब टीबी का वैल्यू ज्यादा होगा, टीबी नोट का छोटा होगा। तो ये हम लोग का आगे यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये हो गया एलिवेशन, कितना एलिवेशन हुआ, तो टीबी माइनस टीबी नोट। चलो इसको उतार लो आप लोग। चलिए अब लिखते हैं इसका काउज, कि आखिर क्या क्या रहने, काउज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि आखिर क्यों एलिवेट कर रहा है एलिवेशन, काउज ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो स्कूलिंग के लिए ज़्यादा अब है तो थोड़ा सा किताब वगैरह अपना पढ़ते रहना, पहले भी बोले हुए हैं, लेकिन टॉपिक पे भी छोड़ेंगे नहीं, और उतना ऐसे बी एस सी के स्टूडेंट हो, सब जैक वगैरह भी हो तो आराम से कर सकते हो। चलो देखते हैं, यहाँ लिखते हैं यहाँ पर क्या कारण इसका बताएं। व्हेन हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे थे, नॉन वोलेटाइल मतलब जो नहीं उड़े ना, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, सॉल्यूट इज एडेड, किसको, इसको ऐड कर रहे हैं हम लोग, किस में यूज ऐड कर रहे हैं, इनटू प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट में डाल दिए। तो प्योर सॉल्वेंट पे डालने के बाद हम लोग क्या देखते हैं, वेपर प्रेशर जगह जगह आके घेर लिया उसका जगह को, जल्दी वेपर बनने नहीं दे रहा है, तो वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग, पढ़े थे ना लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है, मतलब वेपर बनना कम हो गया, द वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस ड्यू टू, जब वेपर कम बन रहा है तो हम लोग ज्यादा गर्म करने लगे कि नहीं भैया वेपर बनो पहले ऐसा, तो ड्यू टू विच बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा ऑफ दिस सॉल्यूशन इंक्रीजेस। तो ये तो हो गया आपका काउज, इसका छोटा सा ग्राफ है, ग्राफ भी देख लो, बता ही देते हैं। यहां पर हम लोग लिखते हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, यहां टेम्परेचर लिख देते हैं हम लोग, टेम्परेचर क्या था, मान लो कि शुरू में कम था, टीबी नोट था, बाद में बढ़ के टीबी आ गया। देखो शुरू में जो प्योर प्योर मतलब वेपर प्रेशर, देखो सॉल्वेंट का देखते हैं, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है, इसका वेपर प्रेशर कुछ इस प्रकार का था, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट, अभी कुछ नहीं मिला हुआ है, तो ये हो गया प्योर सॉल्वेंट। अब आपने इसमें कुछ मिला दिया, ठीक है, तो सबको मालूम है वेपर प्रेशर क्या होता है, लोअरिंग हो जाता है, मतलब जैसे ही तुम कुछ मिलाए वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, और कम होने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है, दोनों इस जगह पर, यहाँ देखो ये वाला बना लो, इस ग्राफ को बनाओ, ये आपका किसका हो गया, सॉल्यूशन का बन गया ग्राफ,
यहाँ हो गया टीवी नॉट, ये हो गया टीवी, ये एलिवेशन में ये तुम्हारा होगा। इस तक पहुंचने के लिए यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना, और टीवी ये पूरा का पूरा एलिवेशन हो जाएगा टीवी माइनस टीवी नॉट।